कोई लोग चेक करें जल्दी, कोई लोग चेक करके बताया चल रहा है सही, चेक कर लें एक बार, हमारे पास खुद ही है, हमारे पास खुद ही है, दूसरे से पूछ रहे हैं। आज क्या कौन सा त्योहार है आज? अच्छा बसंत पंचमी, इसीलिए क्या? बैठ जाए सब लोग। देखिए आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रीजनिंग एंड डाइज, ठीक है? और कैलेंडर के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कल पढ़ा दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन कैलेंडर बचा हुआ उसको हम बता देंगे। कैलेंडर नहीं, मॉर्निंग में कैलेंडर चल रहा था, कैलेंडर में दिमाग में घूमता रहता है वही डायरेक्शन का जो है ब्लैक मार्कर तो नहीं कर रही। बात ना करें कोई लोग, ठीक है थोड़ा शांति बना रखे, बाहर तो वैसे भी शोर हो रहा है ना, वो थोड़ा शांति का सहयोग दें। देखिए डाइज यानी पासा, पासा यहाँ थ्री डायमेंशनल आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति, पासा या एक त्रिविमीय आकृति होती है, जैसे एक या एक पासा है, ठीक है, इसको पासा मान लीजिए, पासा एक थ्री डायमेंशनल आकृति होती है जिसमें क्या क्या चीजें होती है वो जान लीजिए। पासा में कोणों की संख्या आठ होती है, पासा में आठ कोण होते हैं, कौन कौन से? देखिए चार कोण ऊपर होते हैं, एक दो तीन चार, चार कोण ऊपर होते हैं और चार कोण नीचे आठ कोण होते हैं। कोरों की बात करें, कोर होते हैं बारह, एक जिसे कोर कहा जाएगा, एक कोर दो तीन चार, चार ये हो गया, ठीक, और ये चार, चार आठ हो गया, चार या आठ चार बारह हो गया। तो कोण और कोर का पासे में कोई काम नहीं है, कोण और कोर जो पढ़ेगी जब आप घन पढ़ेंगे, ठीक है। पासे में जो भी क्वेश्चन बनेगा इनकी सतहों से बनता है, बस सतहों से बनता है। अगर हम मेन सतहों की संख्या की बात करें, सतहें होंगी छह, सतह इसी को सतह, ये मान लीजिए एक टुकड़ा नहीं है, एक पासा है, इसको टुकड़ा ना समझिएगा आप लोग, यही घर में भी प्रयोग होता है। ये पूरा एक सतह माना जाएगा, ये पूरी दूसरी सतह मानी जाएगी, ये तीसरी सतह, ये चौथी सतह, ये पांचवी सतह और ये छठवीं सतह, छह सतहें होती हैं। कमरे में देख लीजिए, ऊपर नीचे दो हो गया, आमने सामने दो हो गया और आगे पीछे दो हो गया, कितने हो गए टोटल? छह, छह सतहें होती हैं, ठीक है, टोटल छह सतहें होती हैं। तो अब हम इसको बना के दिखा दे रहे हैं, चित्र एक बना दे रहे हैं, डाइज का एक चित्र बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चालू हुआ है डाइज, जान जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइज, और बहुत ही कम से कम आठ से दस दिन का लेक्चर है, दस दिन चलेगा क्लास। डायग्राम तो बना लेंगे ना सब लोग, बन जाएगा सबका, जिसका नाम नहीं बताएगा अभी बता दे रहे बनाना। देखिए ABCDEFGH एक पासा है, जिसका नहीं बनना हो तो बनाना हम बता दे रहे हैं कैसे बनाना उसको, जिसका नहीं बनना हो देख ले। देखिए पहले ऐसे लाइन बना लीजिए आप लोग, एक वर्ग बनाइएगा, एक वर्ग एकदम सीधा वर्ग बनाइए, ठीक है, जिसका नाम बनना हमारे शासक बनाए, एक वर्ग बना ले, वर्ग बनाने के बाद इसे झुकी हुई लाइन ले जाए, ऐसे थोड़ा सा झुका था, झुका होगा लाइन,
ऐसे, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पर झुका के ले जाएंगे, ये यहां से 45 डिग्री पर झुक के जा रहा है, इसी के समांतर इसको ले जाना है, इसी के समांतर इसको ले जाना है। ऐसे बन गया सबका इतना। इसके बाद इसके समांतर एक लाइन ऐसे ले जाइए, इसी के समांतर ये बन जाएगा, ठीक है। दिखेगा 3D में, दिख रहा होगा आप लोगों को, 3D में दिख रहा होगा, बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम आ रहा। अब हम अपने पास एक मोबाइल रखेंगे, किसी पूछेंगे नहीं, एक मोबाइल हमारे पास रहेगा ज्यादा सही रहेगा। कल से चल रहे हैं अपने आप को, किसी बैच में जोड़ लेते हैं, हर बैच में जोड़ लेते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारे इसमें एडमिन पैनल होता है, हम लाइव करते हैं, हम लाइव करते हैं, देखते नहीं है। जैसे भी डालिए, दो दिन है थोड़ा सा, सब कुछ सही हो जाए, एक बार ऐसे एक जनरल बन जाएगा, आदत बन जाएगी ना हर चीज की, उसी पैटर्न पे हो जाएगा। ये ऐसी चीज बहुत सिक्योर चीज है और परमानेंट चीज है, जो हमने किया है सिस्टम, जो हमने सिस्टम ने बनाया है, ये परमानेंट चीज है। तो हम सीधे तो लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, और यूट्यूब पे प्राइवेट कर रहे हैं, कभी भी हम इसे यूट्यूब पे डाल सकते हैं, यूट्यूब पे कभी नहीं डालेंगे। हम जो बात कर रहे हैं यूट्यूब पे डालेंगे तो बाहर वाले कहेंगे किस तरीके का क्लास है, थोड़ा सा क्लास अपने तरीके से हम मैनेज करते हैं, क्लास की बात है, क्लास में रहे, बाहर ना जाए, तो यूट्यूब पे नहीं जाएगा। हमारे क्या सब लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें पाशा एक त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय आकृति है पाशा एक, त्रिविमीय आकृति है, थ्री डायमेंशनल आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमी को 3D कह सकते हैं। त्रिविमी क्या होता है भाई, जिसमें तीनों एक्सिस पाए जाए, एक्स वाई जेड तीनों पाए जाए, इसे एक्स एक्सिस कहेंगे, इसे वाई एक्सिस कहेंगे, इसे जेड एक्सिस कहेंगे। ये प्लेन बोर्ड क्या है, ये 2D है, बोर्ड 2D है, इसमें एक्स है, वाई है, और ये क्या है, 3D है, एक्स वाई जेड तीनों, कमरा क्या है, 3D है। तो ये पाशा भी एक 3D आकृति होती है। पाशा की सतहों पर ए से लेकर बी सी डी ई एफ एफ तक 6 आपके अक्षर हो सकते हैं, या 1 से लेकर 6 तक अंक हो सकते हैं, या आप जो हमेशा से प्रयोग करते चले आए लूडू, वही लूडू पाशा है भाई, लूडू तो खेलते नहीं है। लूडू में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक बिंदु होता है, घुमा के फेंकते हैं, छक्का आ गया, चौका आ गया, वही है। तो लूडू ही पाशा है, जान लीजिएगा। तो लूडू में फिक्स 1 से लेकर 6 तक बिंदु होते हैं, यहाँ 1 से तक बिंदु भी हो सकता है, 1 से 6 तक अंक भी हो सकता है, और 1 से लेकर 6 तक चिन्ह अलग अलग हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक 6 अलग अलग रंग हो सकता है, 6 अलग अलग वस्तुओं का नाम हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है इसमें। अब कुछ कंडीशन के तहत अंक कब होगा, कुछ स्पेशल पासा होगा जिसमें अंक ही होना जरूरी है, ठीक है। तो वो सब हम भी बताएंगे किस कैटेगरी में क्या होना जरूरी है। फिलहाल पाशा एक त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। पासे में देखिए पासे में क्या क्या होता है, सबसे मेन है पासे में सतहों की संख्या। जरा आप लोग बताएं सतहों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन, एक ऊपर एक नीचे 2 हो गया, पीछे 3 हो गया, एक 4 हो गया, ये इधर 5, एक पीछे 6। यदि कमरे में देख लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल, कमरे में कमरा फिलहाल घनाभ है, ये घनाभ है कमरा, एक कमरा घन है, एक अगर दीवार यहां से बन जाए तो घन लगभग घन का रूप बन जाएगा, ठीक है। इसमें 3 घन बन के घनाभ बना हुआ है। तो इसमें आप देखें ऊपर नीचे 2, ये 4 हो गया, और ये आमने सामने 4 2 6 हो गया। ये 6 मुख्य आपकी सतहें होती, और इसमें सतहों पर ही कुछ ना कुछ होगा, और हमेशा सतहों की अपोजिट सतह पर क्या होगा वो फाइंड करना रहेगा। कोई न्यूमेरिकली प्रयोग नहीं होगा 6 का,
लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट जब आप इसी का सेम है आपका चित्र वगैरह वही रहेगा, घन जब आप पढ़ेंगे घन में जस्ट इन्हीं का ही प्रयोग होगा। घन के क्वेश्चन में सतह का कोण का कोण का एक फॉर्मूले में प्रयोग होगा, जबकि इसमें न्यूमेरिकली कोई प्रयोग नहीं होगा। जो कुछ होगा क्योंकि पासा नॉन वर्बल के तहत आता है और नॉन वर्बल आप सभी लोग जानते हैं, जो परिभाषा बताए थे हम नॉन वर्बल की, अभी तो लाला डायरेक्शन से पढ़े हैं, जो लोग पढ़े होंगे उसमें जानते होंगे नॉन वर्बल क्या होता है, आभाषिक होता है। आभाषिक का मतलब जिसमें सिर्फ भाषा, जिसमें कि चित्र आभाषिक, आभाषिक मतलब जिसमें भाषा का कोई प्रयोग ही ना हो, देख के उत्तर बता दिया जाए, तो पासा वही रूप होता है। पासे में क्या होता है, उसकी सतहों पर कुछ भी लिखा होगा देख के बताना होगा, मैक्सिमम पोर्शन विपरीत का बनेगा। जैसे इधर कुछ लिखा है संख्या, इसके अपोजिट पूछ सकता है, इस पे लिखा है इसके अपोजिट पूछ सकता है। एक चीज और जान लीजिएगा, किसी भी पासे में अधिकतम हम कितनी सतह देख पाते हैं, देख के बताएं, खड़े हो जाएंगे तभी कितना देख पाएंगे, तीन। किसी पासे में मैक्सिमम तीन ही सतह को देख पाते हैं, एक इधर देखेंगे एक इधर देखेंगे, ऊपर वाला खड़े हो जाएंगे ऊपर वाला दिखेगा, तीन ही पास तीन ही सतह दिखती है और तीन ही सतह से आपको उत्तर देना रहेगा। जैसे अभी इस पर कुछ लिखा होगा, इस पर कुछ, इस पर तीन, इस पर चार, इस पर पांच है, पूछ जाएगा पांच विपरीत क्या होगा, तीन विपरीत क्या होगा, दो विपरीत क्या होगा, ठीक है। एक पासा देगा उससे भी उत्तर बताना रहेगा, दो पासा देगा उससे भी उत्तर बताना रहेगा, तीन देगा चार देगा पांच देगा उससे भी आपको उत्तर बताना रहेगा। समझ रहे सब लोग, यही सब क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो पासे में सतहों की संख्या छह होती है। इसके बाद बात करें हम कोणों की संख्या, तो कोणों की संख्या कितना होता है, आठ कोने होते, चार कोने ऊपर ए बी सी डी, चार कोने नीचे, ठीक है। आपको पहले दिखा दिए थे आठ कोने कौन कौन से हैं, ए बी सी डी चार, और ये चार नीचे, चार चार आठ, कोण कितने होते हैं, आठ होते हैं, ठीक है। इसकी बात करें हम कोणों की संख्या, तो कोणों की संख्या कितना हो जाएगा, बारह कोण होते हैं, बारह कोण कौन कौन से होते हैं, चार कोण ऊपर, देखिए एक दो तीन चार ऊपर हो गए, एक दो तीन चार नीचे हो गए, चार चार आठ हो गया, एक नौ हो गया, एक दस हो गया, एक ग्यारह हो गए, बारह हो गए, ठीक है। तो कोई काम तो नहीं है, लेकिन जस्ट इसी के बाद आप जब पढ़ेंगे घन, तो घन में इनकी जरूरत पड़ेगी, डायग्राम यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। कोणों की संख्या बारह हो गई, इतना नोट कर लें आपको, फिर मिटाया जाए, नोट कर लें सब लोग। पीछे खिड़की खोल के आप लोग मोड़ दिए होते खिड़की, थोड़ा हवा हवा आता कुछ, उधर भी सब आवाज कर रहे हैं, इधर देखो उधर आदमी है, लड़के ही तो नजर आते हैं यहाँ। चलिए मिटाया जाए, इसको नोट कर लेंगे ना सब लोग, पंखा फुल पे करके चलाइए, फुल पे है पंखा, चलिए एक चीज हम देख लिया जाए। देखिए अब इसमें हम बताते हैं आपको कितने प्रकार का क्वेश्चन इसमें पढ़ना, आप लोगों को कितने प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करना है। हेडिंग डालिएगा आप लोग पासे के, हेडिंग नहीं ऐसे लिखिएगा ऊपर पासे के प्रकार, जैसे हम लिख रहे हैं पासे के प्रकार, इसमें कितने प्रकार के पासे हैं, ठीक है, उनका प्रकार क्या है। पासे के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, मुख्य रूप से इनके तीन प्रकार हैं,
ठीक, एक तो होता है आपका साधारण पासा, ठीक, एक तो होता है आपका मानक पासा, और एक तो होता है आपका कॉमन पासा। कॉमन पासा, ठीक, इसके तीन मुख्य प्रकार। अब कॉमन पासे का और भी पार्ट बन जाएगा, इसमें तीन मुख्य प्रकार हैं, साधारण पासा, मानक पासा और कॉमन पासा, ठीक है। एक एक चीजों को बकायदे समझ लीजिए। साधारण पासा अभी हम लिखाएंगे अलग से, परिभाषा, इसकी पहचान सब कुछ लिखाएंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि साधारण पासा हम तभी पहचान पाएंगे जब उसकी जो छह सतहें होती, हर सतह पर एक से लेकर छह तक अंक लिखा होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से हम पहचानेंगे। क्योंकि इसकी जो परिभाषा होगी भी बताएंगे कि साधारण पासे में किन्हीं दो संलग्न सतह पर लिखे अंकों का योग सात होता है। अंकों का योग सात निकालने के लिए अंक होगा, तभी तो निकालेंगे ना। इसीलिए इतने अभी फिलहाल इतना जानिए कि साधारण पासा और मानक पासा दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक से लेकर छह तक अंक ही लिखा होता है, उसी के बेस पे उसको हम परिभाषित करते हैं। मानक पासा क्या होता है? मानक पासे में भी यही होता है, जब किसी पासे की दो अपोजिट सतह पर लिखे अंकों का योग सात हो तो उसे मानक पासा। अपोजिट पर सात ना ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी पासे की किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग सात ना हो तो मानक पासा, और सात हो तो साधारण पासा। अभी लिखाएंगे अलग अलग हम। किसी पासे की किन्हीं दो पड़ोसी, जैसे इस पर पड़ोसी है ना दोनों, इस पर किन्हीं दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग सात हो जाए साधारण, सात से सात, सात से साधारण, अगर सात ना हो तो मानक, अगर मानक है क्या हुआ? माइक की आवाज कट रही है। अरे यार आप लोग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पर्सनल। अभी सही है? तो अगर जो है संलग्न पर लिखे सतह विपरीत सतह पर, कट रहा है बार बार, बैटरी लो हो गई होगी यार। यार टीचर को भी, अगर टीचर टेक्निकल ना रहे ना, कोई काम हो ना कर पाए। हम जान लीजिए कि घर हमारा कोई भी हेल्प ना करने वाला, वो अकेले सब कर लेते हैं हम। हाँ यार वही सही कह रहे हैं यार, चाहिए तो था यही जो है। हमको पता ही नहीं आज बसंत पंचमी भी है, जान लीजिए सुबह। दरअसल हमारी सेवा क्या है, जो हमको जिम्मेदारी दी गई उसमें इतना लीन है ना कि सेवा करने में जो सरस्वती जी ने हमको जो दिया है काम, वो लीन इतना करने में कर्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो काम तो वही हम कर रहे हैं, जो उनका आदेश है वही पालन कर रहे हैं हम। अरे यार तो बात सही कह रहे हैं, देखिए क्लास जो चल नहीं रहा है। चलिए कोई इसी मूड में खड़े हो जाओ, सरस्वती वंदना कर दे आज, कौन कहेगा सरस्वती वंदना। चलिए माइक मंगवा रहे हैं हम, आगे से कौन आ रहा है सरस्वती वंदना करने? जो कैमरे में आना चाहता है आ जाए आज। कैमरे में कौन आना चाहता है यार, सरस्वती वंदना कर दे कोई, आप में से कोई कौन आएगा? दो लोग आ सकती इसमें से कोई, आप में से नहीं आता? आता होगा तब भी कोई नहीं आएगा। अच्छा वहीं से बोल दीजिए, वहीं से बैठे बैठे नहीं, सरस्वती जी का आज कुछ ना कुछ हो जाए यार, सरस्वती वंदना हो जाए बस, ज्यादा कुछ नहीं। कैमरे में आने किसे नहीं कह रहे कि कैमरे में आइए, और एक माइक होगा लेते आइए, थोड़ा सा सरस्वती वंदना करना है। ऊपर है गौरव, लड्डू वड्डू नहीं मिलेगा। देखिए आप लोग, हाँ साधारण पासा क्या होता है? लिख लीजिए इसके नीचे, इसमें पासे की सतहों पर
ठीक। इसमें पार्श्व की सतहों पर एक से लेकर एक से छह तक अंग लिखे होते हैं, एक से छह तक अंग लिखे होते हैं। इसमें भी लिखिएगा, ठीक है। और कामन में, कामन में ऐसा कुछ नहीं है, कामन में ऐसा कुछ नहीं है, उसको लगा दीजिएगा सही। देखिए सीधा वहीं लगा के किसी को दे दीजिए। कौन आप में से कहेगा सरस्वती वंदना? आगे पीछे से कोई कहेगा? कैमरे के सामने कौन आएगा? किसी को सरस्वती वंदना आता है? लड़कों में किसी को आता है? आता है? आ जाइए, चलिए यहीं पर, नहीं यहाँ आइए। यार कुछ आप लोगों को कैमरे में आना चाहिए, कुछ भौकाल बने यार, हमेशा देखेंगे सब लोग उसको। गौरव देखिए, चेक करिए माइक। कौन बोलेगा? नोट कर लें इसको आप लोग। अरे मोबाइल खोल लो भाई, उसी में निकाल लो, आराम से बैठ के बोल दो। खड़े होके थोड़ा सा सरस्वती जी का मान सम्मान करो, खड़े हो जाओ। हाँ, इसमें भी, इसमें पासे की सतहों पर एक से छह तक अंक होता है, इसमें भी एक से तक अंक, दोनों में होता है एक से तक अंक। ठीक है, दोनों में ही होता है, क्योंकि हमने बताया पहचानी यही है, पासे की पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग सात हो साधारण, सात ना हो तो मानक। ठीक है, पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का सात हो तो साधारण, ना हो तो मानक। और कामन की दो पार्ट है, कामन का इसका दो पार्ट होता है, एक होता है एक कामन पासा, क्या चीज अभी रुक जाइए, एक कामन पासा, अगला होता है दो कामन पासा। कर तो नहीं रहा कहीं, कामन तक दिख रहा है? दो कामन पासा यहां तक दिख रहा है, अभी आगे तक दिखता है यार। थोड़ा सा क्वालिटी कुछ बढ़ाना पड़ेगा हमको अगले, देखिए आज सही से चल रही है, क्वालिटी बढ़ा दी होती, क्वालिटी 1080 कर दे इसकी, हम HD में पूरा चलेगा तब। आज नहीं करेंगे, अगली बार अब करेंगे, अभी अपलोडिंग के बाद क्वालिटी बढ़ जाएगी। चलिए, कौन कर रहा है सरस्वती वंदना? यहाँ नहीं आएंगे कैमरे के सामने? हाथ उठाए हैं, आप में से कोई कहेगा? बैठे बैठे कह दीजिए, चलिए तो बोल दिए सब लोग, करा दे। देखिए भाई, आज बसंत पंचमी है, सरस्वती जी का पूजा पाठ हवन होना चाहिए आज। चलिए वहीं से, खड़े हो जाइए एक बार सब लोग, सरस्वती जी के नाम से कम से कम। शुरू करिए, आवाजें नहीं आ रही यार। आप देखिए, बैटरी आ ले जाइए इसकी, ये ले जाइए, ये आगे आ जाइए यहीं यार, बताएं। आप में से किसी को सरस्वती वंदना नहीं आता आप लोगों को?
अरे आप लोग बताइए, सरस्वती के रूप है दूसरी, आप लोग आता है इधर से बोल रही दे देते हैं। हाँ लीजिए, लगा लीजिए बस ऐसे। हाँ ऐसे सही है, सही चलेगा। सुन लो अरज आई अखियों में पानी, सुन लो अरज आई अखियों में पानी, हे हंसवानी शारदा भवानी, हे हंसवानी शारदा भवानी, विद्या की जननी हो तुम ही माता, तर सुन तन तेरी कान्हज विधाता हो, बुद्धि की जननी हो तुम ही हो माता, तर सुन तन तेरी कान्हज विधाता, हे माता दृष्टि तुम्हारे जन कहीं तू जावे, अंधे को दिख जावे दुनिया गूंगा झुंझावे। ठीक है बैठ जाए सब लोग। और कोई कुछ कहना चाहता है? दोबारा कहें बजा रहे हैं? पहले पढ़िए, ठीक है पहले पढ़ाई करिए। अभी कुछ कहा गया कहने के लिए तो शांत हो जाएंगे सब। चलिए देखिए, कामन पासा में दो कैटेगरी है, एक कामन पासा होता है और दो कामन पासा होता है, ठीक है बना लीजिए सब लोग जल्दी से मिटाया जाए। फिर एक एक के बारे में बताया जाए, हम पढ़ाएंगे इतना तो आपको पढ़ना पासे के प्रकार में, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ना आपको अगला पॉइंट रहेगा पासे का विस्तार। देखिए क्या क्या पढ़ना आपको, साधारण पासा, मानक पासा, कामन पासा, ये हो गया। इसके बाद पासे का विस्तार पढ़ना आपको आगे है। पासे की सतहों पर लुप्त पद ज्ञात करना, पासे की सतहों पर लुप्त पद ज्ञात करना, ठीक है। और अगला है कुल पासों की संख्या ज्ञात करना, कुल पासों की संख्या ज्ञात करना। 10 दिन का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पासा जान लीजिए, जबरदस्त चैप्टर है ये पासा एकदम। चलिए नोट कर लीजिए, सब मिटाया जाए, पीछे जल्दी करें थोड़ा, हो गया सबका। हो गया ना सबका? चलिए हेरी डालिए आप लोग साधारण पासा, हेरी डालिए सब लोग साधारण पासा, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे।
चलिए यही लगे सब लोग साधारण पासा इसको जनरल डाइज या सिंपल डाइज बोलते हैं, जनरल डाइज, साधारण पासा या सिंपल डाइज कह सकते हैं, ठीक है। जी यानी आरएल जनरल डाइज या सिंपल SIMPLE सिंपल डाइज कह सकते हैं। देखिए साधारण पासा क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना अति आवश्यक है, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। परिभाषा से उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, प्रॉपर्टी गार्डिंग आप क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए यह कोई एक पासा है, पासे का चित्र बनाएंगे कैसे हम बताएं आपको, ऐसे देखिए फास्ट आप बनाएंगे, ऐसे हमारे साथ साथ बना ले एक बार, देखिए ऐसे बनाएंगे, इसके बाद इस तरीके से, इससे क्या होगा फास्ट बनेगा, फिर एक लाइन नीचे ले जाएंगे सीधे, और ये थोड़ा सा छोटा छोटा ले जाएंगे।